आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो गाइस, दिस इज अमृता खनके। आज हम लोग इंडिया के सबसे बड़े और वर्ल्ड के छठे स्पोर्ट्स लीग के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग IPL सबसे पसंदीदा, सब लोगों को जो पसंद आती है। एंड सबसे पहले आप हम लोग देखेंगे कि हु इज द IPL फाउंडर। IPL के फाउंडर थे मिस्टर ललित कुमार मोदी। इन 2007 ललित कुमार मोदी जी ने IPL के बारे में सोचा, उनको आइडिया आया कि हमें IPL जैसे एक T20 लीग हमें इंडिया में स्टार्ट करनी चाहिए। तो 1 अप्रैल 2008 में IPL की पहली मैच खेली गई एंड उसका खिताब अभी भी राजस्थान रॉयल्स के पास है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि IPL के मैचेस किस खेले जाते हैं। फर्स्ट क्वालिफायर वन एट द एंड ऑफ IPL, जो फाइनल्स की मैचेस कैसे बनती है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वालिफायर वन का राउंड होता है। क्वालिफायर वन में फर्स्ट एंड सेकंड टीम जो खेलती है उसमें जो मैच जीतती है वो क्वालिफायर वन में खेल क्वालिफायर वन जीती वाली मैच फाइनल्स में जाती है। एंड देन उसके बाद एलिमिनेटरी राउंड होता है। एलिमिनेटरी राउंड थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के टीम्स के बीच में होता है। उसमें जो टीम जीतती है वो जाती है क्वालिफायर टू में। एंड क्वालिफायर टू में, क्वालिफायर वन में हारने वाली टीम एंड एलिमिनेटरी राउंड में जीतने वाली टीम, इन दोनों के बीच में क्वालिफायर टू होता है। एंड क्वालिफायर टू में जीतने वाली मैच फाइनल्स में जाती है। ऐसी IPL की मैचेस खेली जाती है। एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाई इज इट सो पॉपुलर, IPL इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। IPL में बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इन्वॉल्व है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाते हैं। एंड जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी जी, विजय माल्या जी एंड बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे कि शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, इन सब लोगों ने अपनी अपनी टीम्स खरीदी हुई है। एंड वो उनके ब्रांड एम्बेसिडर है। एंड देन उसके बाद में कुछ लोग उन हस्तियों की वजह से भी मैचेस देखते हैं, जैसे कि जिसको कोई पसंद है शाहरुख खान, तो शाहरुख खान की टीम को वो लोग सपोर्ट करते हैं। एंड ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे आते हैं, इसलिए IPL बहुत जल्दी फेमस हो गई है। देन हम लोग देखेंगे उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड्स, मतलब बहुत बड़ा बड़ा, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। देन उसके बाद उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बहुत बड़ी है, इसकी वजह से उनको IPL को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एंड देन टाइमिंग, उनकी टाइमिंग बहुत कन्वीनियंट है। टाइमिंग मतलब जब वर्कर्स अपना काम खत्म करके घर पे आते हैं उसके बाद में ये लोग अपनी IPL मैचेस का टेलीकास्टिंग करते हैं। कुछ लोग वहाँ पर काम के आने के बाद भी स्टेडियम में जाके मैचेस देख सकते हैं एंड इंटरनेट पे एंड टेलीविजन पे कहीं पे भी वो लोग मैचेस देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट देयर कन्वीनियंट टाइमिंग। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा किरदार निभाता है IPL को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। IPL में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड वगैरह पे वो लोग अपने टीम की नेट प्रैक्टिसेस वगैरह शेयर करते रहते हैं। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उनकी प्रेजेंस वहाँ पे बनी रहती है। ये सारी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। देन हम लोग देखेंगे रेवेन्यू ऑफ ब्रॉडकास्टर्स। जो IPL मैचेस ब्रॉडकास्ट करते हैं यानी कि सोनी, यूट्यूब, हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह, उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है इसकी वजह से। उनका रिवेन्यू रेट है मतलब ये जो ब्रॉडकास्टिंग रिवेन्यू इन परसेंटेज, जो रेड पोर्शन है वो टीम को मिलते हैं एंड जो ब्लू रेशियो, जो ब्लू पोर्शन है वो BCCI को मिलता है। देन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, IPL सीजन फर्स्ट में उन लोगों को 91 करोड़ का रेवेन्यू मिला था एंड IPL सीजन सेकेंड में उनको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ इंडिया में इलेक्शंस की वजह से पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पे बिजी थी, तो उनको साउथ अफ्रीका में ये मैच लेना पड़ा था एंड देन उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था। एंड IPL सीजन थ्री फिर से इंडिया में लिया गया तो उसमें उनको फिर से प्रॉफिट हुआ 200 करोड़ का एंड उनको बहुत फ़ायदा हुआ था उसकी वजह से। एंड देन डायरेक्ट टैक्स, उनको गवर्नमेंट को जो पैसा पेड करना पड़ता है जैसे कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS फॉर द रेमुनरेशन
paid to players, umpires, coach and commentators. And then service tax rupees 100 crore, advertising, marketing and consultancy services. Revenue of players, contract price as per basic agreement. मतलब जो रिवेन्यू आता है प्लेयर्स को, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहती है ऑक्शन के वक्त, उनकी जो एग्रीमेंट्स रहती है उसके अनुसार उनको रिवेन्यू मिलता रहता है, उनकी इनकम आती रहती है. एंड देन प्राइज मनी, विनिंग ऑफ मैच आफ्टर द आईपीएल, एट लास्ट जो मैच जीतती है उनको हर एक उनके टीम के हर एक प्लेयर को प्राइज मनी मिलता है. बोनसेस एट विच टीम्स फिनिशेस, उनको एक बोनस भी मिलता है. मतलब जो टीम वहाँ पे ख़त्म कर रही है, मतलब जो कौन से नंबर पे वो मैच ख़त्म कर रहे हैं अपने, उस मैचेस के दौरान उनको कुछ बोनसेस पॉइंट्स रहते हैं, वो बोनस पॉइंट्स उनको मिलते हैं. एंड देन डेली अलाउंसेस, उनको कुछ आफ्टर द मैच, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ मैच उनको कुछ डेली अलाउंसेस भी एलोकेट किए जाते हैं. एंड देन 2013 कुछ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के केस में और बैटल बेटिंग के केस में दिल्ली पुलिस ने 3 प्लेयर्स को अरेस्ट किया था, दैट इज श्रीसंत, अजीत चंदाली एंड अंकित चौहान. ये 3 प्लेयर्स को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था. एंड वो तीनों भी प्लेयर्स राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते थे. थैंक यू.